सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन तो हर किसी को चाहिए, लेकिन चेहरे के ऊपर ये जो छोटे छोटे से बाल होते हैं ना, जिसे फेशियल हेयर कहते हैं, जब तक ये चेहरे पे रहते हैं चेहरा सॉफ्ट ग्लोइंग स्मूथ नजर नहीं आता है। कुछ को फेशियल हेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट बहुत सारी लड़कियों को फेशियल हेयर पसंद नहीं और उसको रिमूव करने के बहुत सारे मेथड्स ढूंढती रहती हैं। और अगर आप भी अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने का कोई ऐसा तरीका जानना चाहते हो जिसमें दर्द ना हो, पेन फ्री हो, ईजी हो, खुद से कर पाओ घर बैठे और वो करने के बाद स्किन ग्लोइंग हो जाए, सो परफेक्ट वीडियो पे आए हो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे बहुत सारे फेशियल हेयर रिमूव करने के मेथड्स, जिनमें से बेस्ट कौन सा है जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा और एक से दो शेड लाइटर करने में हेल्प करेगा, जो मैल की परत जम गई है उसको हटा देगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और देखते हैं हाउ टू रिमूव फेशियल हेयर। प्रॉमिस, अगर आज की वीडियो के स्टेप्स आप फॉलो करते हो ना, तो आपकी स्किन पहले से ज्यादा ग्लो करेगी, बिना किसी ट्रीटमेंट, बिना कोई क्रीम लगाए, बिना कोई महंगी चीज अप्लाई किए हुए स्किन ग्लो करेगी। आपका स्किन शेड जो है ना, वो पहले से थोड़ा लाइट हो जाएगा। जो डेड स्किन की लेयर जमी हुई है, जो मैल की काली परत जमी हुई है चेहरे के ऊपर, वो निकल जाएगी। बच्चे के स्किन छू करके देखना, एकदम मखमली सी होती है, वैसे ही मखमली त्वचा आपकी हो जाएगी। और ये सब होगा बिना किसी हैवी महंगी क्रीम लगाए हुए, बिना किसी ट्रीटमेंट के, घर पे आप खुद कर पाओगे। इस करना इतना आसान है कि आप बस घर बैठे बैठे कर सकते हो, आपको पार्लर भी नहीं जाना पड़ेगा, पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, कोई हैवी ट्रीटमेंट भी नहीं लेना। बहुत इजी, इफेक्टिव, साइंटिफिक तरीके से हम आपके चेहरे के ऊपर वर्क करेंगे, जिससे आपका चेहरा और ज्यादा ग्लोइंग बेहतरीन होने वाला है। हमारे पास जब तक हमारे सर पे होते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं। फेशियल हेयर अगर फेस पे आ जाए तो बहुत सारी लड़कियों को पसंद नहीं भी आता है। ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, फेशियल हेयर रिमूव करना है या नहीं करना है। पर्सनली मुझे फेशियल हेयर होते कुछ खास पसंद है नहीं, और बहुत सारी ट्रिक्स मैंने फॉलो की है फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए। तो अगर आपके चेहरे पे बाल है और आप रिमूव करना चाहते हो, तो ये वाली वीडियो परफेक्ट है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मेरी कुछ गलतियों की वजह से मैंने अपनी स्किन को बर्बाद कर लिया था, बहुत बहुत खराब कर लिया था, और जिसकी वजह से कट लग गया था, बहुत ही गंदा निशान छोड़ करके गया था वो मेरे चेहरे के ऊपर। उसको रिकवर करने में, उसे ट्रीट करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, मेहनत करनी पड़ी, बट हाँ कुछ टाइम में वो मैंने रिकवर कर लिया था। लेकिन मेरे जितनी भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनको ये तकलीफ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। स्कूल में पढ़ते थे, फेशियल हेयर से मेरी और मेरी सारी फ्रेंड्स हम परेशान रहते थे, हमें अच्छा नहीं लगता था। और मेरे बहुत ज्यादा फेशियल हेयर नहीं है, मेरे कम ही फेशियल हेयर आते हैं, बट जरा भी बाल क्यों आए, मुझे तो नहीं पसंद है आज दो मूंछ के बाल आ जाते हैं। तो हम सोचते थे हम क्या करें, तो हमने बहुत सारी चीजें ट्राई की थी। सबसे पहले हमने थ्रेडिंग ट्राई किया था, हम लोग एक दूसरे की थ्रेडिंग कर रहे थे, उसी का करके देखते हैं। बहुत पेन हुआ, और थ्रेडिंग करते टाइम स्किन भी उसके अंदर आ गई थी अपर लिप्स करते टाइम, और जो दर्द हुआ और वहाँ जो पिंपल बड़ा सा निकल कर गया आ गया था ना, बहुत ही बुरा लग रहा था यार। एक तो पेन हुआ और पिंपल अलग से आ गया, और फेशियल हेयर से छुटकारा तो मिला ही नहीं। तो थ्रेडिंग तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हूँ, और आप भी ना ही कराओ तो बेटर है। उसके बाद हमने सोचा था कि चलो वैक्स करके देख लेते हैं, तो जब बॉडी के हेयर वैक्स कर लेते हैं तो उससे भी ट्राई कर लेते हैं। तो एक दूसरे का हमने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए वैक्स भी ट्राई किया था। यार जो पार्लर में वैक्स करने वाले होते हैं ना, वो प्रोफेशनल होते हैं, उनकी ना ट्रेनिंग होती है, तो उनका करना और घर पे हमारा करना, और जब हम टीनएजर थे तो बहुत ही डिफरेंस था। वो भी पेनफुल था, और वो भी वैक्स करने के बाद भी बहुत ज्यादा दाने हो गए थे स्किन के ऊपर, और इन्फ्लेमेटेड स्किन हो गई थी। वो वाला आइडिया भी बहुत ही बेकार रहा, और मैंने उसके बाद कभी भी फेस पे वैक्स करने का ट्राई नहीं किया। बाद में आगे चल करके मैंने बीन वैक्स ट्राई किया था, और वो मैं कर पा रही थी, बट स्टिल वैक्सिंग समहाउ इज पेनफुल। बीन वैक्स फिर भी लेस पेनफुल है, बट पेनफुल तो फिर भी है। मैं और भी इजी मेथड चाहती थी। हमने सोचा कि अरे यार इंटीमेट बॉडी पार्ट पे हेयर रिमूवल क्रीम यूज करते हैं, तो व्हाई नॉट टू यूज इट ओवर हियर। सो हमने अपने अपर लिप्स के ऊपर हेयर रिमूवल क्रीम भी यूज करने का ट्राई किया, एंड ट्रस्ट मी मत करना, गंदी बदबू आती है, गंदा लगता है। और उस टाइम जो क्रीम्स यूज की थी वो उतनी अच्छी थी नहीं, तो उसे स्किन डार्कनिंग के इश्यूज भी हो रहे थे हमें। तो हमने वो आइडिया भी ड्रॉप कर दिया, अब नहीं करते यूज। टीनेज की बात बता रही हूँ, बहुत सारी टीनेजर्स मुझे देखती हैं, और हम सोचते हैं कि चलो ये ट्राई कर ले, वो ट्राई कर ले। मैं ट्राई कर चुकी हूँ, एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो मत करना, ठीक है। हमने ट्राई किया था प्लकिंग, स्पेशली जब हम आईब्रोज बना लेते हैं ना, फिर एक्स्ट्रा हेयर आ जाता है, तो उसको प्लक करके निकालने का हमने सोचा था, एक दूसरे का निकाल ले। मैं अब तो निकाल लेती हूँ कभी कभार, पहले एक एक बाल करके खींचो, बड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, ऊपर से पेन भी उसमें। और यार ऐसी कोई चीज जो पेन दे, मतलब ब्यूटी विद पेन काहे का ब्यूटी यार, ब्यूटी विद नो पेन, ये चाहिए मुझे। तो ये आइडिया भी ड्रॉप कर दो अगर आप सोच रहे हो प्लकिंग करके फेशियल हेयर रिमूव कर दो। अगर थोड़े बहुत बाल है तो यू कैन प्लक एंड रिमूव, ज्यादा है अवॉइड। लेजर है ट्रीटमेंट ले सकते हो, महंगा है, एक एक पोर्स में वो लेजर जाता है, इतना टाइम कंज्यूम होता है और इतने पैसे लगते हैं, इसके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद तो कराया नहीं, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने शेविंग ट्राई की थी, और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था जब मैंने पहली बार शेव किया। तो जब मैंने पहली बार शेव किया, और आज तक मैं कई बार शेव करती आई हूँ, जब भी मुझे लगता है मेरी हेयर ग्रोथ हो गई, शेव कर लेती हूँ। शेविंग करना मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, क्यों? क्योंकि इससे आपके स्किन पर जितने भी डेड स्किन एक्यूमुलेट हो जाता है ना, शेव करते हो ना, तो सब रिमूव हो जाता है, काली मैल की परत
हट जाती है तो स्किन टोन वैसे ही लाइट हो जाता है आपका। एक्चुअली लाइट नहीं हो जाता, आपकी जो सुंदर सी त्वचा है ना बालों के अंदर छुप जाती है। हमारे आपको पता है ना हमारे पूरे स्किन के ऊपर ना पोर्स होते हैं, पोर्स में हेयर भी होते हैं, तो हमारे शरीर के ऊपर बाल होते हैं। बाल ये वाले बाल तो लंबे होते हैं तो नजर आते हैं, ये वाले बाल उतने नजर नहीं आते, पास से नजर आते हैं। कुछ के बहुत ज्यादा फेशियल हेयर होते हैं तो बहुत ज्यादा नजर आते हैं। हमारे यहाँ लाइट ब्राउन कलर के बाल होते हैं, कुछ लोगों के डार्क एकदम ब्लैक कलर के बाल होते हैं। तो बालों की डेंसिटी लेंथ ग्रोथ के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका फेस का कलर क्या है। कुछ लोगों के बहुत ज्यादा फेशियल हेयर होते हैं तो कलर थोड़ा डार्क लगता है, वही आप फेशियल हेयर को रिमूव कर दो तो आपकी अंदर जो स्किन होती है ना जो प्यारी सी ग्लोइंग स्किन होती है, बालों के नीचे छुपी होती है, डेड स्किन की लेयर जब हटा देते हो तो वो स्किन और ज्यादा ग्लो करती है। ये एक ऐसी चीज है जो ऑलरेडी आपके पास है लेकिन ये आपकी स्किन है फॉर एग्जाम्पल, और इसके ऊपर बहुत सारे बाल, बहुत सारे धूल, मिट्टी, पर डेड स्किन लेयर, मेकअप, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स एक्युमुलेट हो गए, जम गए, आपकी खुद की त्वचा ढक गई जो सुंदर सी प्यारी स्किन थी आपकी। तो आप शेव कर दो उसको, डेड स्किन की लेयर को शेव कर दो तो आपकी ग्लोइंग स्किन बाहर निकल करके आती है ना। शेव करने के बहुत सारे औजार मार्केट में आते हैं, मेरे से एक गलती होगी, मैंने बहुत ही लोकल सा शेवर लिया, ऐसे नॉर्मल मार्केट से लिया, बहुत ही सस्ता था, मैंने सोचा ब्लेड ही है यूज कर लेते हैं, बट उससे तो अच्छा स्मूथ फिनिश नहीं मिला मुझे और मेरी स्किन में बहुत सारे कट्स भी लग गए जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेटेड एंड इन्फ्लेमेटेड हो गई। बस बहुत सारे फेशियल रेजर्स में ना इन्वेस्ट किया, सर्च किया, बहुत सारे ट्राई किए मैंने, बहुत सारे ने कट दिया, बकवास रहे, पैसे खर्च हुए, तब जाकर के एक मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे थे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स रिकमेंड करते थे मैं ये यूज करती हूँ, आप ट्राई करो। यार बोल रहे हैं सच में काम भी करता है नहीं करता, मंगवाया यूज किया, सच में आपको भी एक बार मेरे कहने पे मंगवा के ट्राई करना चाहिए, स्किन की जिंदगी बदलती है। मेरी स्किन पहले से भी बहुत ज्यादा ग्लो करने लग गई है। अब मेरी स्किन के ऊपर ना कोई भी डेड स्किन की लेयर नहीं रहती है, होती है तो मैं उसको शेव करके निकाल देती हूँ। सिर्फ फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए मैं इसको यूज नहीं करती हूँ, मैं डेड स्किन की लेयर को भी रिमूव करने के लिए यूज करती हूँ जिससे कि मेरे अंदर की ग्लोइंग स्किन बाहर आ पाए। बाय द वे मैं ये वाला फेशियल रेजर यूज कर रही हूँ विच इज फ्रॉम कार्मेसी, ये एक पैकेट मैंने मंगवाया था अमेजोन और नायका दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ मुझे 3 रिसीव हुए थे, ये जस्ट मैंने यूज किया है अभी, इसके साथ कैप आ जाती है प्रोटेक्टिव लेयर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैप के साथ आता है। सैनिटाइजेशन के मामले में मतलब हाइजीन के मामले में काफी सही लगा मुझे, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है यार, ऐसे मस्त पकड़ लो 45 डिग्री के एंगल में, तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करती हूँ, ग्रिप अच्छी लगी मुझे इसकी, और इसकी जो ये ब्लेड्स है ना इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी। मैं पिछले 1 साल से इसको यूज कर रही हूँ और मुझे कोई कट नहीं लगे, जब भी मैं यूज करती हूँ पहले और बाद में डिसइंफेक्ट कर लेती हूँ और कवर लगा करके रख देती हूँ, तो काफी अच्छा। इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो अपने लिए मंगवा करके एक बार मेरे कहने पे मंगा के ट्राई करो, एंड देन देखो आपकी स्किन पहले से कितनी ज्यादा बेटर हो जाती है। आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर कि मैं इसको कैसे यूज करती हूँ और किस तरीके से ये हेल्प करता है मेरी स्किन को ग्लोइंग बनाने में, तो चलो डेमो देखते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो मेरे फेस के ऊपर बहुत ज्यादा फेशियल हेयर तो नहीं है लेकिन है फेशियल हेयर जो मुझे उतने पसंद नहीं है, और इन फेशियल हेयर की वजह से मैं जो भी स्किन केयर का प्रोडक्ट लगाती हूँ मेरी स्किन में एक्चुअल में नहीं पहुंच पाता रूप तक, एंड जो भी मैं मेकअप लगाती हूँ वो फ्लॉलेस नहीं रहता, तो मेकअप के फ्लॉलेस बेस के लिए और प्रॉपर स्किन केयर के लिए तो मैं इस तरीके से फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ। सबसे पहले फेस के ऊपर लगा लिया मैंने ये वाला बाम, ये भी कार्मेसी का बाम है, ये फेशियल शेविंग बाम है, 2-in-1 का काम करता है, प्री एंड पोस्ट शेव, इसके अंदर एलोवेरा, क्यूकम्बर और नीम है, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में, खुशबू बहुत अच्छा देता है, तो अच्छे से मैं इसको पहले पूरे फेस पे लगा लेती हूँ, एंड देन मैं ये फेशियल रेजर लेती हूँ, इसका कैप हटाती हूँ एंड अब इसको यूज करूंगी। अच्छा, ये फेशियल हेयर रिमूव करने से पहले ना आप अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना, ठीक है, फेस वॉश करने के बाद आप अपना चेहरा सुखा लो, उसके बाद ये बाम लगा लो जो मैंने अभी आपको बताया, एंड उसके बाद आप फेशियल रेजर लोके और इसको ऐसे ऐसे यूज नहीं करना, 45 डिग्री पे लेना और यूज करना, ठीक है। अगर आपके बहुत ज्यादा बाल है तो आप अपने एक हाथ से स्किन पकड़ोगे, एक हाथ से ऐसे करोगे, मेरे बहुत ही कम बाल है तो मैं, और मुझे प्रैक्टिस भी काफी अच्छी हो रखी है, तो मैं बस मिरर में देखती रहती हूँ एंड 45 डिग्री पे ऐसे शेव कर लेती हूँ अपने पूरे फेस को, जहां जहां पे मुझे लगता है बाल है, जैसे मुझे लगता है फोरहेड पे ज्यादा बाल है या पीच फर्स के बाल, साइड बोन्स के बाल, देन अपर लिप्स के बाल, आईब्रो के, ये सब मुझे लगता है कि थोड़ा है वहां पे ज्यादा मेरे, तो वहां मैं इससे कर लेती हूँ, बहुत अच्छी ग्रिप बनती है, बहुत अच्छे से बाल मेरे हट जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा एक्ने ब्रेकआउट्स है ना, दाने हैं, पिंपल है, तो ये यूज मत करना, कोई सा भी रेजर यूज मत करना, या दानों के ऊपर थोड़ी ना आप ऐसे फेशियल रेजर चला सकते हो, मत करना, ठीक है। क्लीन और क्लियर स्किन के ऊपर आपको फेशियल रेजर यूज करना चाहिए। तो जो बाम मैंने लगाया है उसके अंदर कोई भी अल्कोहल नहीं है जो स्किन को इरिटेट नहीं करता है। जैसे कि आप देख रहे हो मैं अपने रेजर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, बिल्कुल हल्का प्रेशर आपको देना है, दबाना नहीं है स्किन को, नहीं तो कट लग जाएगा। आराम से शांति में एकांत में बैठ करके करना, अगर आप पहली बार कर रहे हो और टीनेजर कर रहे हो, देखो बहुत ज्यादा बाल है तभी करना, मीडियम बाल है या
मेरे जितने बाल है तो करना, बहुत कम बाल है ना तो फिर आपको कोई भी रेजर या हेयर रिमूवर मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप देख रहे हो धीरे धीरे मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हूँ अपने फेशियल हेयर को रिमूव करते हुए, कितने ज्यादा बाल निकल करके आगे, और जहां से मैंने रिमूव किया वहां की स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई और सच में बेबी स्किन हो गई एक्चुअली रिमूव करने के बाद। और ये यूज के बाद स्किन एकदम क्लियर क्लीन बहुत ही अच्छा अंदर से फील होता है, यू फील मच मोर हेल्दियर एंड ग्लोइंग। यूज करने के बाद इसको डिसइंफेक्टेंट से डिटॉल वगैरह से आप इसको क्लीन कर दो, प्रोटेक्टिव कैप लगाओ एंड रख दो, दैट्स इट। महीने में एक या दो तीन महीने में आपको एक बार यूज करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है आपकी फेशियल हेयर की ग्रोथ कितनी कम है या ज्यादा है। फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद मैंने ये वाला शेविंग बाम लगा दिया, पोस्ट शेविंग बाम है ये, तो पहले भी लगाया बाद में भी लगाया, स्किन को काम डाउन कर देता है, एकदम कूलिंग सेंसेशन सी आती है, बहुत अच्छा फील होता है इसको यूज करने के बाद एंड स्किन हो गई सॉफ्ट। आप देख सकते हो मेरी स्किन कितना ग्लो कर रही है। सो अब जब भी मैं फेस के ऊपर कोई स्किन केयर प्रोडक्ट लगाऊं, कोई भी क्रीम लगाऊं तो अच्छे से मेरी स्किन में वर्क करता है, डीप पेनिट्रेट होता है। मैं कोई भी मेकअप लगाऊं तो अच्छे से मेरी स्किन में ब्लेंड हो जाता है, मेकअप फ्लॉलेस दिखता है। अब यही बालों के साथ लगाती तो बहुत ही गंदा और केकी मेकअप लगता। तो अगर आपका मेकअप और स्किन केयर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो ये रीजन है कि फेशियल हेयर या रेड स्किन की लेयर एक्युमुलेट हो गई है, उसको रिमूव करो विद द हेल्प ऑफ फेशियल रेजर। मुझे नहीं लगता कि फेशियल हेयर को रिमूव करने का इससे भी ज्यादा कोई आसान तरीका है, फास्ट कन्वीनियंट पेनलेस, एकदम पेन नहीं है, पार्लर भी नहीं जाना पड़ रहा है, अब घर बैठे खुद से कर सकते हो। मतलब किसी और बंदे पे ट्रस्ट भी नहीं होता ना, आप पार्लर में जाओ वो थ्रेडिंग करे या वैक्सिंग करे तो वो कैसे करे, वो ट्रेंड है उसको आता है नहीं आता है, हाइजीन मेंटेन किया है, सवाल दिमाग में होते हैं, इससे अच्छा अपने हाथों से करो, खुद से करो, खुद को बताता है कि हमारी स्किन कैसी है, कितना प्रेशर देना है। इसलिए मुझे ये वाला मेथड बहुत अच्छा लगता है अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए। अब आपके सवाल हो रहे होंगे बहुत सारे, जैसे कि हेयर बड़े मोटे आते हैं, स्किन रफ हो जाती है, ऐसे मिसकंसेप्शन और मिथ बहुत सारे, वो मैं आपके तोड़ देती हूँ अभी सारे मिथों को। ऐसा नहीं होता है कि फेशियल रेजर यूज करने के बाद आपके ना ये जो बाल है बहुत कड़क मोटे आते हैं, ऐसा नहीं होता है। देखो बाल यहाँ से शाफ्ट से कट जाते हैं तो ऐसा हमें फील होता है कि बाल थोड़े मोटे आए हैं, क्योंकि वैक्स में तो जड़ों से बाल चले जाते हैं, तो जो नए बाल आते हैं तो वो एकदम नए ग्रो करके आते हैं, ये तो बाल ऊपर से काटे तो ऐसा फील होता है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, और बाल तो वैसे ही आएंगे जैसे आपके हैं। तो टेक्सचर में कलर में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप शेव करते हो, चाहे बॉडी के बाल शेव करो या फेशियल हेयर शेव करो, सब मिथ है। अब कई लोग कहते हैं शेविंग से आपकी स्किन रफ हो जाती है, कैसे, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। इनफैक्ट जब आपके बाल पोस्ट शेविंग के बाद दोबारा उगते हैं ना, वो टेपर्ड नहीं होते हैं, सो ये आपको ना रफ फील नहीं देता है, एकदम सॉफ्ट स्मूथ फील देता है जब आप फेशियल रेजर यूज करते हो। तो स्किन सॉफ्ट होती है यार, ट्राई तो करो, बिना ट्राई किए कैसे बोल सकते हो। जिन जिन लोगों ने ट्राई किया ना कॉमेंट करके बताओ, आप अपना रियल पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करोगे ना मेरी बाकी लड़कियों के साथ, तो उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा यूज करने का। जब तक आप कुछ यूज नहीं करते ना, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, आपको लगता है करे ना करे, लेकिन जब आप कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जाते हो ना कि हाँ हमने किया हमारे साथ हुआ है, तो दूसरे लोगों पर भरोसा उत्पन्न होता है। तो करो कॉमेंट। बार बार शेव करना, रोज शेव करना आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बार बार शेव करने से फर्क नहीं पड़ता है, बजाय इसके कि आप कैसे शेव कर रहे हो और किस चीज से शेव कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैज टू बी गुड। अब डायरेक्शंस आप मैंने जो स्टेप्स आपको करके दिखाए वो फॉलो करो, ठीक है। अगर आप ये वाला रेजर ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जो स्टेप्स मैंने बोले वो फॉलो करो। तो ये तो बहुत महंगा होगा, कैसे ट्राई करेंगे, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। 299 में आपको तीन फेशियल रेजर मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही लंबे समय तक आप इसको यूज करोगे, पार्लर में जाकर के पैसे खर्च करने से तो ये बेटर ही है, घर पे खुद ही से कर लो, और ग्लोइंग स्किन मिल जाती है इसके बदले में। आई डोंट थिंक इससे अच्छा कुछ ऑप्शन आपके पास है, अगर है तो कमेंट करके बताओ। अगर रेजर यूज करते करते फिसल गया और कट लग गया तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कट, हाँ अगर गलत रॉन्ग प्रोडक्ट यूज करोगे तो मे बी लग सकता है। देखो जब मैं ये वाला यूज करती हूँ तो भी मैंने एम्फेसाइज किया कि इसका ग्रिप बहुत अच्छा है, इसका एंटी स्लिप ग्रिप है जो कि फिसलता नहीं है, तो इससे कट तो लगने की कोई चांस ही नहीं है। परफेक्ट एंगल देता है शेव करने का, एकदम फाइनेस्ट स्टेनलेस स्टील है ये, बहुत ही अच्छा। रही बात हाइजीन की, ये प्रोटेक्टिव कैप हाइजीन मेंटेन करने में हेल्प करता है, मेक श्योर टू डिसइंफेक्ट इट आफ्टर एंड बिफोर यूज इट। तो फेशियल हेयर कहाँ कहाँ के रिमूव कर सकते हैं फेशियल रेजर से, हर जगह के फेस पे जहाँ कहीं भी आपको दिख रहा हो, फॉरहेड हो, आईब्रो हो, यहाँ पे कई लोगों को बाल आते हैं उनको पसंद नहीं होता है, अपर लिप्स में, चिन पे, इधर इधर किधर भी कहीं भी हेयर है आपको नहीं पसंद, रिमूव इट। बस इतना ही करना है आपको, मुझे ये पूरे प्रोसेस करने में हार्डली 10 मिनट लगता है, हार्डली 5 से 10 मिनट मुझे लगता है, क्योंकि मेरे फेशियल है थोड़े कम है, तो वो डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ कितनी है, बाल कैसे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग अगर ये मेथड ट्राई करते हो जैसे मैंने किया है, जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्लीज ये तो जरूर लिख के जाना कि फेशियल रेजर यूज करने के बाद आपने जब स्किन के ऊपर हाथ लगाया तो बेबी सॉफ्ट स्किन आपकी हुई या नहीं हुई, क्योंकि 100% होगी ही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और भी कोई टॉपिक आपके मन में चल रहा है जिसके बारे में जानने की जिज्ञासा है तो मुझे जरूर लिख भेजना, और मेरे शॉर्ट्स को देखते रहना मेरे शॉर्ट चैनल पे विच इज रेखा शर्मा एंड बी नेचुरल भी, अब मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ तो वहां भी एंजॉय कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।